दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। नहीं हो रहा कोई सुधार, जाने क्या है प्रदूषण का स्तर। चार रईस जादों ने पुलिस वाले पर बरसाए डंडे। पांचवी की छात्रा पर थी गार्ड की नजर। स्कूल के बाथरूम में ले जाकर करने लगा अश्लील हरकत। डीजे वाले ने नहीं बजाया मनपसंद गाना तो जड़ दिया थप्पड़। कार सवार बदमाशों ने टोल कर्मचारियों के साथ की मारपीट। सीसीटीवी में वारदात कैद। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम, जिला प्रशासन और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के तमाम दावों के बावजूद प्रदूषण की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। प्रशासन के ढुलमुल रवैया के कारण साहिबाबाद और मसूरी औद्योगिक क्षेत्र के कई इलाकों में आज भी चिमनियों से धुआं निकलते देखा जा सकता है। मंगलवार सुबह 7 बजे गाजियाबाद जिले में प्रदूषण का स्तर 390 रहा, जो अति गंभीर की श्रेणी में आता है। NCR से पुलिस वाले और होम गार्ड की पिटाई का वीडियो सामने आया है। एक लग्जरी गाड़ी में सवार 4 लोगों पर पिटाई का आरोप है। इनमें से कुछ लोग सिपाही की डंडे से पिटाई करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि महज कार को रोकने के विवाद पर 4 रईस जादों ने पुलिस सिपाही की डंडे से पिटाई कर दी। दिल्ली के द्वारका के उत्तम नगर इलाके में स्थित एक नामी पब्लिक स्कूल में 5वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ और अश्लीलता की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वही पुलिस आरोपी की उम्र को लेकर असमंजस में है, जहां आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। वही स्कूल प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लग रहा है। दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी के पालम इलाके में कुआ पूजन कार्यक्रम में डीजे पर डांस के पीछे हुए झगड़े ने खूनी रंग ले लिया। रात हुई इस घटना में जहां 2 लड़कों को गोली मार दी गई, वही एक अन्य युवक सिर में गंभीर चोट आने की वजह से जख्मी हो गया। गोली लगने से घायल दोनों लड़कों को वेंकटेश्वर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच के दौरान पुलिस ने फायरिंग करने वाले हमलावर की पहचान कर ली है। मुखटोली टोल प्लाजा पर बदमाशों की गुंडागर्दी सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में कार सवार 4-5 बदमाश टोल कर्मियों के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।